चिल्ला मतलब जल्दा कर ले और सूट उतार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह के 9 बजे से। नाश्ता पानी हो गया और अभी बच्चे हैं, बिस्तर बिस्तर उठा रहे हैं, झाड़ू पोछा करना है। इधर मेरा भाई सोता है, इधर मैं सोती हूँ। और बिस्तर अभी कपड़े फोल्ड करने हैं अभी। और ये नानी का आधा पल्ला खाला ने बिना और आधा मेरे को बिनना है। और एक सिलाई का ये सूट है और एक सूट ये वाला है। और ये भी अभी मैंने सी लेने है। काफ़ी दिन से दोस्तों मैंने सिलाई की नहीं है, तो फिर इसलिए मुझे आज सिलाई के सूट देने हैं। मशीन निकाल दी है कपड़े सिलने के लिए और सूट भी कर सूट की कटिंग हो चुकी है। तो अंकल जी से हमने ताला लिया और एक पेचकस लिया है। और देखो इसने भी बाजी ने भी खरीदा है, भी खरीद लिए हैं। और एक छन्नी दोस्तों, ये मेरे भाई की शॉप है, किराना स्टोर। और यहाँ पे दूध दूध ही है खाली अभी तो, और देसी अंडे और पानी है। दोस्तों ये मैं मीठे चिल्ले बना रही थी और एक पहला चिल्ला जो मैंने बनाया था वो तो आगे से चल गया था, ये तो थोड़ा अच्छा बना था। तो गाइस अभी मैं कपड़े सिल लेती हूँ और मेरा सूट मस्त सिल चुका है, सिलाई का सूट है। और क्या बोलते हैं, बस एक स्लीव लगानी बाकी है और इसको लगा के फिर दिखाऊंगी गाउन कैसा बना करके। दोस्तों ये चाचा की लड़की छत में बैठी हुई है, इतना हल्ला कर रही थी ना, बहुत परेशान कर रही थी। दोस्तों मैंने एक अम्ब्रेला गाउन सिला था, सिलाई का था, वैसे इसमें घेर नहीं दिख रहा, वैसे फैला के तो बहुत सारा घेर था इसमें। इसकी पैंट है ये दोस्तों। दोस्तों मेरा एक सूट तो सिल चुका है और बस एक और सैनिल का सूट बचा हुआ है, उसको भी शायद से मैं कल सिल लूं। और दोस्तों देखो हमारे येलो फूल कितना सुंदर खिला है। चलो और ये वाला दोबारा निकला था, ये वाला खराब हो गया है और यहाँ से ही नया आएगा इसमें। और दोस्तों अभी बाजी जा रही है चाय बनाने के लिए। दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 बजने वाला है और पीछे बाजी ने चाय रख दी है और साइड में दादाजी बैठे हुए हैं। और दोस्तों हमारे दादाजी अभी आग सेक रहे हैं और यहाँ पे बन रहा गैया के लिए दाला। और ये लगा रही है झाड़ू। दादा ऐसा बोलो, हेलो दोस्तों आप भी पी लो चाय, बोलो चाय पी लो। तो दोस्तों अभी शाम के 6:30 बज रहा है और अभी मैं आई हुई हूँ रूम में। और अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। जब मैं 3-4 दिन पहले घटे में गई थी तो मैं वहाँ से लेकर आई थी सामान कुछ, और दिखाती हूँ फिर आपको। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये, और ये मेरी फैन लेकर आई है,
अजमेर शरीफ से कंगन है ये। और ये वाले जूते हैं ये अम्मी के लाए हैं हम। और दोस्तों और भी हैं, ये वाली जूतियाँ दोस्तों मैंने यहीं से ली थी, गांव से, गांव में बेचने वाले कोई आए थे अंकल जी, उनसे खरीदी थी मैंने ये। और ये जो सेकंड स्लीपर मैं निकालूंगी, ये वाली तो मैं घटी में ही से लाई थी। दोस्तों गर्मा गर्म मैगी तैयार है। दोस्तों अभी हम आ रखे हैं दादाजी के रूम में और दादाजी अभी सेक रहे हैं आग। दोस्तों दादाजी के लिए यहाँ पे आग जलाई है कोयलों वाली इसमें, और देखो हीटर भी जलता है हमारे दादाजी के लिए, और सेकने के लिए बैठे हुए हैं हीटर। दादाजी का एक दांत तो पहले से गिरा हुआ था, एक और गिर गया। दांत दिखाओ दादाजी। दादाजी की खिड़की खुल गई है दांतों की। दोस्तों ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।